हम लोग यहाँ उर्दू मीडियम के डीएससी एस्पिरेंट्स हैं। तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ये सारे लोग मिलकर एक जॉइंट प्रोटेस्ट दिए हैं डीएससी के खिलाफ। हम समझते हैं ये डीएससी इलेक्शन का डीएससी है। हमारा डिमांड मेगा डीएससी का था और जो आरटीई 2009 के हिसाब से टीचर टू प्यूपिल रेशियो होना है, उस रेशियो के हिसाब से ये डीएससी नहीं है। हम देखते हैं कि डीएससी जो आना चाहिए था, जितने वैकेंसीज निकाले गए हैं, ये वैकेंसीज सिर्फ इलेक्शन को सामने रखते हुए बनाम एक डीएससी को निकाल दिया गया है। ये कोई डीएससी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम यहाँ से इंदिरा पार्क से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो या तो इस डीएससी को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड करते हैं। और केसीआर साहब को हम यहाँ पर यही याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो तेलंगाना बना है, ये तेलंगाना स्टूडेंट्स के स्ट्रगल से बना है। ये स्टूडेंट्स का स्ट्रगल आज इंदिरा पार्क पहुँच चुका है। यही स्टूडेंट्स का स्ट्रगल आपकी सरकार को, आपकी गवर्नमेंट को, जो फेल गवर्नमेंट जा रही है, उसको गिराने के लिए भी काफ़ी है। हम यहाँ से ठहर कर डिमांड करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप लोग मेगा डीएससी लाइए और हर पोस्ट के लिए, हर मीडियम के लिए, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, इन लोगों के लिए स्पेशल डीएससी, जितना इनके लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना चाहिए। ये हमारे यहाँ इंदिरा पार्क से डिमांड है और हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो लोग मेगा डीएससी को इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द। अभी इलेक्शन कोड लगने वाला है, इसके बाद तो आप बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को हम गए, माइनॉरिटी कमीशन के पास गए, बीसी कमीशन के पास गए, दारुसलाम गए, हर जगह हम गए, लेकिन हमें सिर्फ इलेक्शन के जवाब मिले। इलेक्शन में जिस तरीके से बताया जाता कि हम देखेंगे, हम करेंगे कुछ ना कुछ, ये चीज़ों से अब हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आपके ये जवाब के हम मुंतजिर नहीं हैं। हम ज़मीनी काम चाहते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कुछ इमारतों का इनॉग्रेशन कर देना ये मंजूर नहीं है। असल जो ग्राउंड पे जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूरा कीजिए, हमारे डिमांड्स को पूरा कीजिए। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर आज एक दिन का नहीं है, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और ये इलेक्शन तक चलते रहेगा और इलेक्शन का फैसला इस प्रोटेस्ट के जरिए से होगा। ये बात हम यहाँ से गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। थैंक यू।